अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार भाइयों। भाइयों मैं अपने खानसा वाली पे और यूनुस भाई हमारे ये है भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, अल्लाह करम। इनके पास है फैंसी कबूतर भाई ना, आपके कौन कौन से कबूतर है नाम बताइए। मेरे पास है सिराजी है, लखा है, और ऐसे थोड़े नॉर्मल उड़ने वाले कबूतर है नॉर्मल ही। और उसके बाद में जो है फैंसी कबूतर है सर, जैसे आपको कबूतर दिखा देता हूँ मैं। चलो अंदर आप दिखा देते। फैंसी कबूतर ये हमारा बहुत लाडला कबूतर है। तो भाई ये कबूतर आपने कहाँ से लेके आए थे? ये हमने खंडवा से ही लिया था। हाँ, अपने यहीं से। तो भाई देखो, तो हम ये यूनिस भाई के यहाँ पर आए हैं, उनके पास टोटल फैंसी कबूतर है। ये देखो इनका इसके सब... दो इसके बच्चे हैं। दो इसके बच्चे ये है, इसके बच्चे याले, ये वाले बच्चे हैं इसके, माशाल्लाह निकाले हैं। इससे पहले भी निकाले थे, वो मर गए हैं। और एक याले कौन सा कबूतर है? ये जो है एक लखा है और शादी उसके अंदर मर्जी जो शादी है करास में लगाया। हाँ, करास में लगाया है। तो इसके बच्चे वगैरह? इसके बच्चे ने पहली बार अंडे दिए, इनने इसके बच्चे ने अंडे हैं इसके। अच्छा, तो समझ ले एक बच्चा निकलेगा करास में। हाँ, है ना, और एक बच्चा सादे निकलेगा जी, है ना। और ये सिराजी में, ये सिराजी में इसका नर कहाँ है? इसका नर बाहर है। अच्छा, नर इसका बाहर है। चलो बंदो, एक ये फैंसी कबूतर है इनके पास। हाँ, इसके बच्चे हैं। ये इसके बच्चे हैं। अरे कहाँ जा रहा भाई? ये हमारा शेरू है, सबसे पुराना कबूतर, सबसे पहले टाइम हो गया साल भर के लगभग। अच्छा, आपको साल भर की, तो आपको स्टार्टिंग से फैंसी कबूतर का शौक है? फैंसी जी। तो आपने जितने भी फैंसी कबूतर कहाँ कहाँ से लेके आए? एक तो गुजरात से लगे हैं कुछ। हाँ, कुछ लोकल के हैं। ये जो है ना, ये गजरा, ये गुजरात से लेकर आया था। याला की हालत ऐसी थी कि बिल्कुल तुम देखते थे क्या बोलते है ये कबूतर की। हाँ, ये भी गुजरात से है माशाल्लाह, कबूतर बहुत शानदार। और ये इसी के बच्चे हैं। कौन सा आला? ये मेरे पीठ पे बोला ना, ये इसी का बच्चा है। अच्छा, ये इसी का बच्चा है आला। हाँ, ये एक ये रहा, एक उधर बैठा हुआ है। ये नर है आला ना? ये नर है। नर इसकी मादा जो है अंडे पे, इसी की ये मादा है। मादा पूरी सफेद है और नर जो है हल्का सा गजरे में, गजरे में। और ये लक्का है, ये दो, ये लक्का लक्के की। और कौन सा? ये भी गुजरात के हैं। ये भी गुजरात का है। हाँ। और ये ऊपर वाला कौन सा है? सबसे ऊपर रखे पहले लखनऊ भी गुजरात का है। अरे बाबा, तेज है कबूतर वाला। ये देखो, हाँ, हाथ पे फाइटिंग चल रही कबूतर की। तो भाइयों, ये थे हमारे यूनिस भाई के कबूतर, फैंसी कबूतर। भाई इस वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें और कमेंट में जरूर बताना कि भाई इनके पास जो कबूतर आपको कैसे लगे। और ये कौन सा भाई ऊपर वाला लखा है? तो ये लखा है और एक ये मुर्गा है, सादा है करास में। नहीं माने वही बोल रहा हूँ। तो इसकी मादी अंडे पे क्या? हाँ, मादी अंडे पे। ये मादी, मादी और ये है नर। नर और हमारा एक ये है, एक जोड़ा ये है लाल दुलार है। ये जो है इमलीपुरा से लेकर आया था, खंडवा से ही। अच्छा, ये खंडवा का कबूतर है ना। ये कि शौक करो, कबूतरों के ऊपर ध्यान दो भाई, और हमारे वसीम भाई की भी हेल्प करो। जो भी हमारे कबूतर के अंदर कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल उनको वीडियो देखो आप, और वीडियो को सब्सक्राइब करो। तो कबूतर जितना, हम तो नया आदमी है, तो हम जितना शौक है हमारा कबूतर पालने का अभी हुआ है। तो बस जानवर को ध्यान दो भाई, जो भी तकलीफ है, परेशानी है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहो जी। जी, जितना भी वासिम भाई से कॉन्टेक्ट में रहेंगे, आप ही का और आपके जानवर का फ़ायदा रहेगा। नमस्ते भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।